शहर के जनसेवक व युवा नेता महेंद्र मारोठिया ने राजकीय मृतकों चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। मारोठिया ने शुक्रवार को अस्पताल में चिकित्सकों तथा कार्मिकों की कमी को पूरा करने सहित अस्पताल के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने अथवा नया भवन बनवाने की मांग को लेकर शहर के जागरूक युवाओं को साथ प्रदेश के सीएम तथा चिकित्सा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम मृदुल सिंह को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर का राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल है, जहां पर 3-4 जिलों को रोगी उपचार हेतु भर्ती होते हैं। शहर के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले रोगियों का दबाव भी अस्पताल पर रहता है, लेकिन अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं, चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मियों की कमी के चलते रोगियों को केवल मात्र रेफर किया जाता है। रेफर के खेल के दौरान कई बार रोगी की मौत तक हो जाती है। ज्ञापन में अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों व कार्मिकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना करने, डीडीसी काउंटर की एक ही स्थान पर व्यवस्था करवाने, ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने, अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करवाने के साथ साथ अस्पताल में लगाई गई मशीनों के सुचारू संचालन के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग की गई है। ज्ञापन में इन सब मांगों को पूरा करने के लिए 7 दिन का समय देते हुए इसके अभाव में 7 दिन बाद एक शिष्टमंडल के पैदल जयपुर कूच करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र मारोठिया, दिव्यांश प्रजापत, राजू वैष्णव, अजय कुमार, मुनेश चौधरी, रविंद्र सिंह तथा श्रीराम सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल थे। ब्यावर अमृतकोर हॉस्पिटल के विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत के नाम एक मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें यह कि ब्यावर अमृतपुर हॉस्पिटल नहीं रहकर ब्यावर रेफर हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है। कोई भी चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तुरंत प्रभाव से रेफर करते हैं। और उसके अलावा जो आज मीडिया बंधुओं को भी पता है कि हॉस्पिटल के अंदर कितनी विभिन्न मांगे हैं, तो मेरी राजस्थान सरकार से ये मांग है, जो वाकई में जनता के लिए मूलभूत सुविधा है, तो ये हमारी मांग है कि अमृतपुर मेडिकल कॉलेज के बाद में अगर नंबर आता है तो ब्यावर हॉस्पिटल का नंबर आता है। दूर दराज से आसपास से जितने 50 किलोमीटर के 4 जिले के लोग लगते हैं, वो ग्रामीण शहरी लोग सभी यहाँ आते हैं। कई भी गांव से रेफर होते हैं तो इनका इलाज यहीं होता है, और रेफर के साथ वो तुरंत डॉक्टर यहाँ से फिर अजमेर रेफर कर देते हैं। तो इसके साथ में हमारे न्यूरो एंड यूरोलॉजिस्ट यूनिट की आवश्यकता भी हमारे अच्छे डॉक्टर के साथ लगाई जाए। जनरल यूनिट एक अलग से बनाई जाए ताकि आम जनता को, गरीब कि कोई भी आते हैं तो महिला लेडीज़ उनको परेशानी ना हो, वो वहाँ का वही पर्ची कटे और वही डॉक्टर देखे, एमरजेंसी नाइट हो चाहे डे हो, ये काम होना चाहिए। इसके साथ सिक्योरिटी मजबूत हो ताकि चोरी चकारी लूट कुछ भी मरीजों के साथ ना हो। अस्पताल की जो बिल्डिंग पूरी जर्जर आधी बिल्डिंग बंद पड़ी जर्जर व्यवस्था में है, वो बिल्डिंग पूरी नहीं बने, ये हमारी सरकार से मांग है। जिसके कंपोनेंट जिसके लिए करीब करीब मशीन उपलब्ध होने के बावजूद भी किसी प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, तो उस एक ही ब्लड से 3 आदमी की जान बच सकती है। एक तो उसकी प्लेटलेट्स बन सकती है, प्लाज्मा बन सकती है, वो आज भी मशीनें पूरी ऐसी किसी नई की नई पड़ी है, एक बार भी काम नहीं है। तो 8 टेक्नीशियन लगे ताकि आम जनता को इससे फ़ायदा मिले।